नहीं सुनिया ने वैसे मेरे की नहीं अंदाजा लगना क्या हुआ। कभी ले लिए कब शर्मा मल्ला बसंत घाट का निवासी, मैं बहुत दुख से कहना पड़ता है कि आज जो कि हमारे म्यूनसिपैलिटी के लिए अरबों रुपए आए हैं, तो ये बेचारे ये घर वाले ये किले के बैक साइड में रहते हैं, ये गंदगी से गंदगी के बीच में से निकल कर तो ये सुबह मंदिर में जाते हैं, तो बड़ी तजब की बात है। और अरबों खरबों रुपये का गवर्नमेंट बजट सेंक्शन करती है म्यूनसिपैलिटी को, तो मैं कहता हूँ कि मैं बड़े दुख से हमारे ये इधर के चेयर ये काउंसलर हैं पीपी साहब हैं, सर्वे उन्होंने दो चार बार किया तो उसके बाद फिर इस वक्त तक इस गली का कोई काम ही नहीं हुआ। लोग भी देखो आगे तो गंदगी, इधर किले के बैक साइड इधर ही गंदगी जितनी भी मल्ले की है वो इधर रास्ते में ढेर लगा कर चले जाते हैं, उनको भी कोई अवेयरनेस और केयरनेस है नहीं है कि यार हमें बार बार डब्बे दिए जाते हैं, सब कुछ दिया जाता है, बाजार में गाड़ी आती है वो लॉसमेंट करती है, तो उसके बावजूद भी ये लोग देखो इनका भी डिसिप्लिन नहीं है कोई, लोगों का पुंछ की सिटी का डिसिप्लिन मैंने देखा कि ये भी नहीं है, ये भी हद से बस ऐसे ही है, एक ने कुछ किया तो दूसरा भी उसके मगर भाग जाता है, दूसरे ने किया तो तीसरा भी, ये नहीं है कि हमने अपने माइंड से क्या काम करना है, अपने एजुकेशन से क्या लाना है, अपनी एजुकेशन को कहाँ इस्तेमाल करना है, ये लोगों में बड़ी एक नानसाफ़ी है। तो वो तो मैं कहना चाहता हूँ वो तो लोगों की अपना एक पर्सनल है, ये सारा सिस्टम उन्हीं का ही है, ये सिटी उनको है उनकी है, उसकी देख रेख करना इन लोगों का काम है, बल्कि ये तो कोई समझा इनको बोल नहीं सकता, ये तो उनकी अपने पर्सनल। मैं म्यूनसिपैलिटी के चेयरमैन साहब को कहना चाहता हूँ कि इस गली का काम करवाया जाए, ताकि ये बेचारे जो सुबह सुबह ये एक मैं पुरजोर अपील करता हूँ कि ये इसका इस गली का काम किया जाए करवाया जाए, ताकि ये सुबह सुबह जो जाते हैं मंदिरों में गंदगी से होकर तो उससे इनको एक थोड़ी राहत मिले। तो मैं अपने तरफ से और पूरे मल्ले वासियों की तरफ से कहता हूँ कि ये अगर हमारे ये मैं मीडिया की तरफ से अगर हम बोल रहे हैं ये सारे बेचारे इकट्ठे हैं इधर, तो अगर नहीं यकीन आता चेयरमैन साहब को वो खुद सर्वे करें इधर, अगर देखें इनकी हालात क्या है, ये कौन से रास्ते से गुजर रहे हैं, तो देखो हम यही कि मैं यही कहना चाहता हूँ कि अरबों रुपए की कहते हैं जी स्मार्ट सिटी है, ये बनेगा वो बनेगा, क्या बनेगा जब लोगों को रास्ते में ये हालात है, गंदगी पड़ी है, गंदगी से होकर मंदिरों में जाते हैं। तो शर्मा जी, तो ये कुछ अर्सा जी ये स्कूल बंद पड़ा हुआ था, इसके बारे में क्या बताएंगे? ये स्कूल बंद पड़ा है काफ़ी देर से, ये बिल्डिंग ली थी इन्होंने तो किराए पर ली थी, सिटी मिडिल स्कूल था कोई इधर पूंछ में, तो वो उसकी रिपेयरिंग थी तो वो नया बनाने वाले थे, तो वो कुछ रेंट पर लिया था, अब ये बिल्डिंग ऐसी है जहाँ